जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत अभिनंदन मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल करता हूँ आप सभी का यथोचित अभिवादन वर्तमान भारत की बात करें जो हम भौगोलिक तौर पे देखते हैं तो इसका शीर्ष जो है वो जम्मू कश्मीर माना जाता है इसका ताज जो है है वो जम्मू कश्मीर माना जाता है। और जम्मू कश्मीर का महत्व अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अधिक रहा है ऐसे नहीं बल्कि भारतीय भारतीय जनसंघ के समय से इसका महत्व रहा है और इसीलिए जो तीन कोर मुद्दे रहे उसमें धारा तीन एक प्रमुख मुद्दा रहा जिसका पटाक्षेप पांच अगस्त दो को हो गया है और तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि इसका राजनीतिक फायदा जो है वो उठाया जाए और उनकी खुद की सरकार खुद की सरकार बने और खुद की सरकार नहीं बनती है तो कम से कम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी वहां पर स्थापित हो और उसके निशाने पर सरकार जो है वो चले अब ऐसा कैसे हो सकता है उसके बारे में अलग अलग प्रयास जो है वो चल रहे हैं पहला धारा 370 हो गया था दूसरा जो प्रयास था वो भी मैं आपको बता देता हूं वो था डीलिमिटेशन जिसके कारण से जम्मू में जो सीट्स हैं वो बढ़ी ऐसा नहीं है कि जम्मू की सीट्स कश्मीर से घाटी से जो है वो ज्यादा हो गई लेकिन इवन देन 6 सीट वहां पर बढ़ी है जम्मू में तो डिलिमिटेशन से भी फायदा हुआ है और तीसरा जो है अप होने जा रहा है देखिए मैं आपको बताता हूं हमेशा इस समय एक आ, टॉप गियर में है और पीएफआई के पर जिस तरीके से पांच साल का प्रतिबंध लगा है एनआईए की जिस तरीके से रेड्स जो है वो हुई है उससे हमें ये चीजें मालूम चलती है और आगे आगे देखिए होता है क्या अभी बहुत कुछ होना है जम्मू कश्मीर में, में 25 नवंबर को मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम जो है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद वहां पर कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है चुनावों की घोषणा से पहले भाजपा कुछ कदम जो है वो वहां पर एक अपना सकती है और उन कदमों में जो पहला कदम हो सकता है वो अमित शाह जी की अभी जो हालिया रैलियां होने वाली हैं दो रैली होने वाली हैं एक बारामूला में और दूसरी राजौरी में और इन दो रैलियों में एक संभावित घोषणा जो है वो हो सकती है जिस संभावित घोषणा के केवल कयास से ही पीडीपी में और नेशनल कॉन्फ्रेंस में हड़कंप मच गया है हड़कंप कैसे मच गया है वो घोषणा बाद में बताता हूं। पहले बताता पहले आपको ये कि हर एक विधायक सबसे पहले चाहता है कि उसकी विधायकी बनी रहे पहले भी कई बार महाराष्ट्र चुनावों के समय अः हमने जो है इस तरह की बात की थी कि विधायक जो है वो अब सबसे पहले अपनी विधायकी जो है उसको सुनिश्चित करना चाहता है उसे बहुत ज्यादा दूसरी चीजों से मतलब नहीं होता है इसलिए बहुत सारे ऐसे नेता है जो पीडीपी के वरिष्ठ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में एंट्री करना चाहते हैं क्योंकि उनकी विधायकी तभी बनी रह सकती है जब जिनका वोट वो लेते हैं वो उन्हें वोट वोट और उन्हीं लोगों के वोट में सेंधमारी का काम अमित शाह जी कर रहे हैं और ये वरिष्ठ नेता केवल सामान्य नेता नहीं है इनमें से एक मुजफ्फर बीग तो वो भी हैं जो डिप्टी सीएम तक का पद पा चुके हैं और उन्होंने खुलेआम ये एक तरीके से अपील की है कि पहाड़ी भाषा के समुदाय के जो लोग हैं वो इन रैलियों में अधिकतम मात्रा में, अधिकतम संख्या में जो है वो पहुंचे जब पहाड़ी भाषा की बात करी दी है तो आगे बताता हूं कि ये जो घोषणा है ये क्या होने वाली है इसकी संभावना क्या है पहाड़ी भाषा एक समुदाय है जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं और भी लोग हैं और ये पहाड़ी भाषा समुदाय पहाड़ी भाषा जो है एक भाषा है कश्मीर में बोली जाती है और उस भाषा को बोलने वाले समुदाय के लोग हैं संख्यात्मक दृष्टिकोण से बात करें तो कश्मीर जम्मू कश्मीर की कुल जनसंख्या वर्तमान की बात करें तो 136 लाख एक लाख मानी जाती है और 136 लाख में से 10 लाख की आबादी 10 लाख की आबादी है पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों की हम पंद्रह सौ उन्नीस के समय जो पार्टीशन हुआ उसके बाद में ये लोग आए चेनाब और चिनाब और झेलम के बीच में ये अधिक अधिक संख्या में बसे हैं राजौरी में इनकी संख्या अधिक मात्रा में देखी जाती है उसके अलावा कुपवाड़ा में और जम्मू कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों में भी ये पाए जाते हैं लेकिन 136 लाख में से 10 लाख की आबादी कितनी आबादी होती है उसका संख्या, संख्यात्मक विश्लेषण और उसका राजनीतिक लाभ जो है वो कितना हो सकता है कैसा हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझती है उन्नीस <coughs> सौ और उसके बाद से लगातार इनकी एक मांग रही है और वही मांग को पूरा हो वही मांग पूरी हो सकती है अमित शाह जी की इन रैलियों में मांग क्या है तो मांग ये है पहले आपको भाषाई बात थोड़ी सी और बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अः कश्मीरी बोली जाती है हिंदी बोली जाती है डोगरी बोली जाती है उर्दू बोली जाती है और ऐसा करके पांच भाषाएं जो हैं। है जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं बोली तो और भी जाती है लेकिन पांच भाषाएं आधिकारिक भाषाएं एक पहाड़ी भाषा भी है और भारत में कभी तक एक कभी भी आज तक एक काम नहीं हुआ है वो हुआ है पहाड़ी किसी भी भाषा बोलने वाले लोगों का समुदाय जो है उन्हें रिजर्वेशन मिला हो आरक्षण अपने आप में पॉलिटिकल तौर पर बड़ा मुद्दा रहा है वही आरक्षण जम्मू कश्मीर में अब होने वाला है दो बात मैंने आपको बताई थी धारा 370 उसका हुआ हुआ अगस्त 2019 को उसके बाद में दूसरा डिलिमिटेशन ये तीसरा होने वाला है जो इन रैली में हो सकता है पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोगों को एस का दर्जा दे दिया जाए यानी कि शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए इससे पहले गुर्जर और बकरवाल इन दो समुदायों को आदिवासियों का दर्जा दिया जा चुका है और अब ये तीसरी बात है और भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ किसी भाषाई समुदाय को दिया जाए पहली बार होगा और इसके लिए इन्हें केंद्र सरकार जो जो है है उसे रिजर्वेशन एक्ट है, उसमें संशोधन संशोधन भी करना पड़ेगा। और इस संशोधन करना पड़ेगा पड़ेगा और शीतकालीन सत्र में ही और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि 25 नवंबर 2025 नवंबर को मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम पूरा होना है उसके बाद में कभी भी चुनावों की घोषणा हो सकती है और बीजेपी जो है उससे पहले ये काम अपना कर देना चाहती है तीसरा वार जो है ये वार वहां पर कर देना चाहती है जिससे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सके या खुद की सरकार बना सके और इसी कारण से वहां पर समस्या उत्पन्न हो गई है क्योंकि पीडीपी डी ये कह रही है कि पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया और अब ये गुर्जर बकरवालों के साथ में पहाड़ी भाषा वाले लोगों को जो है वो टकराना चाहते हैं उनमें वैमनस्य उत्पन्न करवाना चाहते हैं उन्हें लड़वाना चाहते हैं और ये लड़वाने की बात क्यों कही जा रही है क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर पहाड़ी भाषा बोलने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ गए तो वैसे ही पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालत खराब है गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद में कांग्रेस में किस तरीके से एक शांतता भाव आ गया है कश्मीर में ये किसी से छुपा नहीं है और अगर स्थितियां ऐसी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है गुलाम नबी आजाद की पार्टी के पास में भी कुछ विधायक जो है वो आते हैं और उनके विधायकों की आवश्यकता बीजेपी अमित शाह को पड़ती है सरकार बनाने के लिए तो गुलाम नबी आजाद किस दृष्टि करेंगे करेंगे नजर बात बात करना कोई बहुत बड़ी बात जो है वो है वो नहीं तो और ये जो बारामूला में और राजौरी में होने वाला है इसमें बारामूला एक बड़ी बात भी है राजौरी में तो बड़ी संख्या में रहते ही हैं बारह बोलो मैं आपसे कुछ समय पहले जब भारतीय सेना की अग्निवीर योजना जो है वो लागू हुई थी और उस उस समय ही आतंकवादियों ने कई हमले किए थे बारामूला में इस योजना को असफल किए जाने के लिए और इसीलिए एक संदेश भी जाता है कि केंद्र सरकार जो है और भाजपा जो है किसी भी तरीके से आतंकवादियों के सामने जो है वो डरने नहीं वाली है घुटने टेकने नहीं वाली है ऐसे में अगर आपको आज तक जो मिला है धारा तीन के कारण से जो आपको मिला था वो पत्थरबाजी मिली थी आतंकवादी मिले थे आतंकवाद मिला था भुकमरी मिली थी अशिक्षा मिली थी बेरोजगारी मिली थी लेकिन अगर आपके वहां अब आप स्कूल्स खुल रहे हैं आपके वहां पर रोजगार आ रहा है वहां पर टूरिज्म जो है वो और अधिक प्रमोट हो रहा है आपके अच्छे घर बन रहे हैं आपको कुछ योजनाओं का लाभ सीधा आपके अकाउंट में मिल रहा है तो आप क्या चाहते हैं आप पुराना वही दौर चाहते हैं जिसमें आतंकवाद था जिसमें शिक्षा थी बेरोजगारी थी भुखमरी थी या फिर ये नया भारत जो नरेंद्र मोदी के सपनों का लोगों को कर रहा है और इसी चुनाव के तौर पे राजनीतिक तौर पे ये चुनाव बहुत महत्व का होने वाला है और इसी महत्व के चुनाव को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी अमित शाह की ओर से ये तीसरा बार पहला पांच अगस्त दो भारत 370 दूसरा डिलिमिटेशन और तीसरा पहाड़ी भाषाई समुदाय जो 10 लाख की संख्या में है उसे रिजर्वेशन देकर के भारत में पहली बार होगा भाषाई समुदाय आधार पर किसी को रिजर्वेशन दिया जाए 2020 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में और शैक्षिक जगहों पर जो है वो 4% रिजर्वेशन की घोषणा इनके लिए की थी और उसके बाद में ही चक्कर ये पड़ा था कि गुर्जर और बकरवाल को ये लगने लगा कि भाई हमारा हिस्सा जो है वो ये लोग छीनेंगे तो उन्हें परेशानी है और उनकी परेशानी को बढ़ाना आग में घी डालने का काम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर करेगी तो वो लोग अपना काम करेंगे बीजेपी अमित शाह अपना काम करेगी हमें और आपको अपना काम करना है क्योंकि हमारा काम देश हित में होना चाहिए और हमें मालूम है कि देश हित क्या है किसके साथ में है धर्म कहां पर है और वो लोग गलती कहां कर रहे हैं तो गलती करते हैं तो टोकना पड़ेगा अच्छाई रखते हैं तो पीठ पर हाथ डालना पड़ेगा वहां पर उन्हें शाबाशी देनी पड़ेगी और अपनी तरफ से हम जो पॉइंट्स रख सकते हैं वो हम लगातार रखते रहेंगे आज के कार्यक्रम में इतना ही आपसे फिर कहूंगा 21 से 25 दिसंबर जम्मू टॉक्स कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाला है अगर आप उसमें हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर हमें लिखिएगा जरूर गोयल निधीश एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम दिस इज आर ई मेल आज के कार्यक्रम में इतना ही नमस्ते जय हिंद जय भारत वंदे मातरम भारत माता की